एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नेटौर में स्थित ककड़ाला गांव पड़ा। लगभग 1750 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान दिनेश कुमार सैनी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1020 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 64 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी वर्तमान प्रधान ने कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 19 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, सीसी रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। दिनेश कुमार सैनी, हमारी पंचायत महुआ लगती थी, इस बार हमारी नई पंचायत ककराला बनी है। जब हमारे गांव में पहला कोई विकास नहीं था, मैं जब से प्रधान बना हूँ मैंने कई सीसी डाली है और 90 शौचालय सरकार के द्वारा बनवाए हैं। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुझे पैसा दे तो मैं अपने गांव को और तरक्की की तरफ ले जाऊंगा और उस पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तो है, लेकिन एक तो बारात घर नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर दे और मेरे खाते में पैसा और भिजवाए तो मैं गांव का विकास और करूँ। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। ग्राम ककराला का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे पहली बार प्रधान जी बने दिनेश कुमार जी और हमारे यहाँ बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करता हूँ कि आगे इनको और थोड़ा पैसा ज़्यादा दिया जाए ताकि हमारे गांव में और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए।